देखिए मैं इतना जानता हूं, जब हम गाएं तो हमारा हर शब्द आपके हृदय तक पहुंचे। पहुंचने के बाद आप विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब तक कुछ आपके पास न रहे तो फिर गाना बजाना बेकार है। बड़े भाई रामवीर जी ने अपनी कलम से कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा उनके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उसके बाद मैं भजन की शुरुआत करूंगा। सुनिएगा। ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं और निस जाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। किस किस को विश्वास है इन लाइनों पर कि सब तीर्थ अपने माता पिता के चरणों में होते हैं? देखिए इस बात का तो इन्हें भी पता है कि सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में होते हैं, तो भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि इन्हें सिर्फ इतना ही पता है आज तक। क्या बात है। ले माला रोते हैं और निस जाप के चरणों में, और उठा के दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ, सब तीर्थ हो, सब तीर्थ, सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते दुखी घर पे भूखी रोए रही अम्मा, बेटा गोवर्धन की दे रहे हो परिकम्मा। तो स्वयं गिरिराज जी प्रकट हो गए और बोले, ए मूर्ख, क्यों पुण्य को खोता है, क्यों पुण्य को खोता है तू पाप के चरणों में, क्यों पुण्य को खोता है तू पाप के चरणों में, क्यों पुण्य को खोता है तू पाप के चरणों में। अगर भजन आपकी समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बोलिए, सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में,
अम्मा जी नहीं, एक बार आप उठ करके आए, एक कैमरे में आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों पुण्य को खोते हैं, क्यों पुण्य को खोते हैं इस पाप के चरणों में। और दोनों हाथ उठा करके, सब तीर्थ वो सब तीर्थ होते हैं बाबा चरणों में, सब तीर्थ होते हैं बाबा के चरणों में। जय हो, सब तीर्थ होते हैं। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये माँ की मूरत सामने नहीं होती तो क्या इतना आनंद आता, बताएं आप बताएं, नहीं आता ना। लेकिन कहा मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो की मंदिर में बैठा है, मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। तो हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं आपके चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के। जय हो, ज्यादा कुछ नहीं तो इन लाइनों को मेरी जो मैं लाइन रख रहा हूं उन्हें अपने घर तक जरूर लेकर के जाने। श्री राम मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम मर्यादा के स्तंभ न हिलते, पर सरवन से बेटा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर सरवन से बेटा बड़ी मुश्किल से मिलते। लेकिन मैं यही चाहूंगा ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम शीश झुकाते हैं, हम चरण दबाते हैं लाला आपके चरणों में, हम शीश झुकाते हैं, हम लगन लगाते हैं लाला आपके चरणों में, सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बोलिए अपने अपने माता पिता की।